हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। प्रजापति समाज जो सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित है उसको आरक्षण दिया जाए और जातिगत जनगणना हमारी की जाए। हम सच के साथ है, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे और अपना हक लेकर करेंगे। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री से खुश कैसे हो जाएंगे हम? जब हमारा हक नहीं देंगे हम कैसे खुश हो जाएंगे प्रधानमंत्री से? लेकिन अगर हमारा हक नहीं मिला तो इसका एहसास जरूर करा देगा प्रजापति समाज। आर्थिक रूप से मजबूत जाट है, गुज्जर है, राजपूत है, आरक्षण उनको हमारे बराबर मिलता है, परंतु वह हमारे से आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत है। प्रजापति समाज, प्रजापति समाज, आरक्षण लेकर रहेंगे, आरक्षण। पीछे ये पोस्टर देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा। जाहिर सी बात है ये लोग प्रजापति समाज के हैं और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों को आरक्षण चाहिए। अभी ये लोग ओबीसी समाज में हैं और इन लोगों को एससी समाज में जाना है, ऐसा ही कुछ है, बताइए जी। आपके माध्यम से हम सरकार तक ये आवाज पहुँचानी चाहते हैं कि प्रजापति समाज जो सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित है उसको आरक्षण दिया जाए और जातिगत जनगणना हमारी की जाए। इसी को लेकर के आज जंतर मंतर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के श्री दारा सिंह प्रजापति जी, उनके नेतृत्व में सहारनपुर से चलकर हमारी टीम दक्ष सेवा समिति पूरी। अभी आप लोग कौन से समाज में? अभी हम प्रजापति समाज के लोग, मतलब किस, अभी हम ओबीसी में है। ओबीसी को तो आरक्षण है 27%। मैडम ऐसा है, ओबीसी को आरक्षण है लेकिन हम शिल्पकार हैं, प्रजापति समाज शिल्पकार है, सरकार से हमारी हाँ शिल्पकार, जो कोई कुछ बना करके हाथ से तैयार करता है उसको शिल्पकार कहते हैं। और शिल्पकार हमारे संविधान में 1950 से एससी की दर्जा प्राप्त है, हमें उस शिल्पकार में परिभाषित करें प्रजापति समाज को और हमारा हक सरकार हमारे को दे। मतलब आप लोगों को 1900 कितने में? 50 में। 1950 से आप लोगों को एससी में किया गया? एससी में है, शिल्पकार एससी में। फिर आप लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए? हाँ, अभी तक नहीं मिला ना, उसी मांग को लेकर के हम यहाँ। जब एससी में है तो मिल रहा होगा। शिल्पकार एससी में है, सरकार हमें शिल्पकार की उपजाति घोषित करने का काम करे, जैसे उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में आप लोग कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश से। सारे लोग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से। और सारी जगह पे शिल्पकार को एससी का दर्जा दिया हुआ है? नहीं, सारी जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह है। अलग अलग जगह है, जैसे मध्य प्रदेश में 8 जिलों में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और हमारी ये मांग है कि हमारे को एससी में शामिल किया जाए और हमारी जातिगत जनगणना कराई जाए। मैं फौजी श्यामपाल प्रजापति इसी मांग को लेकर के यहाँ दारा सिंह प्रजापति जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है ओबीसी में? ठीक ठाक तो चल रहा है सब कुछ? नहीं, ठीक ठाक चल रहा है। ओबीसी प्रधानमंत्री है, आप लोगों को तो अच्छा। ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारा जो समाज है वो सामाजिक स्थिति ऐसी मजबूत नहीं है उनकी, इस वजह से हमें आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षण तो है। नहीं, आरक्षण हमारे को कहाँ है? एससी का दर्जा चाहिए ना, जब हम पहले से एससी में है शिल्पकार तो हमारा हक सरकार की। आपने बोला जातिगत जनगणना। हाँ, जातिगत। तो आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना होना पॉसिबल है? होगा। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं होगा? कराएगी सरकार? बिल्कुल कराएगी, जब जनता मांग रखेगी। लोकतंत्र में जनता की मांग के ऊपर ही तो डिपेंड है सब कुछ। बहुत सालों से हो रहा है ये मांग, कहाँ करवा रहे हैं? देखिए मैडम, आजादी के लिए भी 99 साल लड़ाई लड़ी है, 99 साल, ठीक है, लेकिन ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अभी तो 60 साल की बात हुई है। कितने साल की? अभी तो 60 साल से, तो 70 साल से जो चला है, देश आज़ाद हुआ 70-80 के, उसमें अभी लड़ाई तो चलती रहेगी। जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे। जब तक जिएंगे, और हम सच के साथ है, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे और अपना हक लेकर करेंगे। जातिगत जनगणना की आपने बात कही, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे जो प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं और उन्होंने बोला था, जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला था हम लोग जातिगत जनगणना करवाएंगे, आपको मालूम होगा। प्रधानमंत्री जी ने आपके अकॉर्डिंग कहा होगा, अब क्यों नहीं हुआ उसका जवाब भी आप पत्रकार लोगों से, मेरा यही निवेदन है। हम पत्रकार, आप लोग तो आप उन्हीं से पूछे ना। हम पूछेंगे, लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसी में आपको जाना है। हमारी तो मांग है, अब जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो क्यों नहीं करा रहे, ये सवाल पूछिए आप उनसे। आप बताइए ना, हमारा
तो काम है उन तक पहुंचाना। तो हमारी मांग है, आप हमारी मांग पहुंचा दो। जातिगत जनगणना चाहिए आपको लग रहा है? हाँ होगी, होगी। 2024 में जिता देंगे फिर किसको? प्रधानमंत्री। नहीं जिताना ना जिताना वो वाली बात नहीं, लेकिन अगर हमारा हक नहीं मिला तो इसका एहसास जरूर करा देगा प्रजापति समाज। क्या कराएंगे, क्या करेंगे? हैं? इसका एहसास ये कराएंगे, या तो हम नोटा का बटन दबाएंगे कहीं ना कहीं, जब हम इनसे कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, प्रजापति समाज वोट देने का काम करता आया है, तो इस बार नोटा का बटन दबाएगा। मतलब इस बार अगर एससी समाज में नहीं दिया तो उनको वोट की चोट देंगे? वोट हम नोटा दबाएंगे, नोटा दबाएंगे, बिल्कुल नोटा दबाएंगे, वोट नहीं देंगे। हमारे को किसी पार्टी से कोई ऐसा विशेष लगाव नहीं है, बिल्कुल भी। क्या लगता है? देखिएगा, मैं सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हम गुजारिश करते हैं, प्रजापति समाज एक ऐसा समाज है जो वर्षों से, जब से राजनीतिक कदम भारत में चालू हुआ है, ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है और 100 के 100% करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के आप हैं बता रहे हैं, है भी वे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रजापति समाज हमेशा अपनी मांग, जब तक ऐसी कैटेगरी में नहीं आएगा पूरी मांग करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। जब हम वोट भाजपा को देते हैं 100 के 100% तो अपनी मांग भी हम उन्हीं से करेंगे। भाजपा से खुश हैं? भाजपा से खुश है, वैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या ऐसा क्या क्या काम किया है भाजपा ने? देखो सबसे पहली बात, जो पहले वोट दी थी तब खुश थे, लेकिन अब जा प्रजापति समाज का आज तक कोई काम नहीं है। ये तो कह रहे खुश हैं, जब बीजेपी से वोट देते हैं लेकिन काम नहीं होता, काम नहीं होता। मैं बताऊं मैडम, जैसे कि पहले इन्होंने घोषणा करी थी एससी में करने के लिए, तब खुश थे लेकिन अब खुश नहीं है, इसीलिए ये लड़ाई जारी है। और कौन सा काम आपको प्रधानमंत्री का भाई? पसंद ना पसंद की बात है, जब पसंद आएगा, पहले तो हमारे आप बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा, आप मेरी बात सुनिए, पहले तो हमारी ऐसी कैटेगरी की हिस्सेदारी रहे, दूसरी बात हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती, तो इसलिए ये समाज अब जहाँ नाराज हो चुका है, और इसका कहीं ना कहीं असर देखने को इन्हें 2024 के चुनाव में मिलेगा। कि प्रजापति समाज जो है पूरा का पूरा वोट बीजेपी को देता है, देता था, देता आया है अब तक, अब आगे भी देंगे। अब सोचने के लिए उन्हें नहीं देंगे, नहीं देंगे, बीजेपी को वोट मिलेगा, जो हमारे हित की बात करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। जो हमारे 8 साल से वो है, हित की बात। देखिए प्रजापति समाज पहले से भी संघर्षरत रहा है, लेकिन हमारी मांगों को लेकर के किसी सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई नहीं है। जो सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी उसको प्रजापति समाज अपना कौन कौन बनेगा आपका नेता? अगर ये प्रधानमंत्री नहीं, देखिए किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? देखिए जो हमारे हित की बात करेगा, कौन करेगा? जो करे, जो राजनीतिक पार्टियां करेंगी, बाकी जो चुनी हुई सरकार होती उसका। आपने अभी ओबीसी आरक्षण की बात की थी, इस बार केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस वालों को, जनरल कैटेगरी वालों को ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया है, जिसकी रेलवे की मेरिट ओबीसी से भी नीचे है, तो ऐसी ओबीसी में रहने का क्या फायदा है जिसकी मेरिट जनरल वालों से भी ऊपर चली जाए? ओबीसी वाले 58-50 वाले नंबर वाले लिस्ट से बाहर हो गए, और उसी नंबर वाले जनरल कैटेगरी या कैंडिडेट रेलवे में भर्ती हो चुके हैं, तो ऐसे आरक्षण का क्या फायदा है जिसकी मेरिट जनरल के आरक्षण के खिलाफ है? हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, जब हमारे समाज में संपन्नता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ साथ गुज्जर जाट आदि भी ओबीसी में आते हैं और वे हमारे से कई ज्यादा संपन्न है। क्या वजह है जो आरक्षण मांगना पड़ा है? कहीं ना कहीं दबाए गए हैं सरकार। आरक्षण की वजह है प्रजापति समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, सबसे बड़ी वजह वही है। आर्थिक रूप से मजबूत कौन है? आर्थिक रूप से मजबूत जाट है, गुज्जर है, राजपूत है, बहुत सी कैटेगरी ऐसी है। आरक्षण उनको हमारे बराबर मिलता है, परंतु वह हमारे से आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत है। जमीन बराबर में बंटवा लो और फिर आप बोल दो। क्या? हाँ, जर्नल वालों से जमीन बराबर में बिठवा लो, जितने उनकी जमीन मिल रही है उनके बराबर करवा लो। कौन कौन? क्या जनरल में? कौन कौन जनरल में? सभी आते हैं। जनरल का मतलब क्या होता है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ही मतलब पूछ रहा हूँ। जनरल में मतलब और बहुत लोग आते हैं। सवर्ण जाते हैं जितने भी हैं। हाँ जी, बराबर में आप लोग जमीन बंटवारा कराएंगे, वो तो उनका है, उनके बाप दादा राजपूत थे, उनके बाप दादा के पास जमीन। क्या इसमें बंटवारे का कोई मतलब नहीं है? हमने बात की, आप यहाँ पूछिए, जो पूछना है आपने बताइए। वही तो पूछ रही हूं, क्या बताइए? गाड़ी क्यों रहे? जवाब तो दीजिए। हाँ जवाब देंगे, आप सवाल पूछिए। आप यहाँ धरना भी देने आए हैं, जवाब भी नहीं देने दे रहे हैं। आप देंगे ना? आप जवाब, सवाल पूछिए। किससे बंटवारा करवाना?
हम किसी से बंटवारा नहीं, हम अपने हक के लिए आए। मैडम हम किसी से बंटवारे के लिए नहीं आए, हम केवल अपने आरक्षण की मांग करके लेकर के आए, हमें एससी में शामिल किया जाए। 2024 में जिताइए, अभी तो कम नहीं, क्यों जिताइए? जब हमने दो बार सुनो, नहीं नहीं प्रधानमंत्री से खुश कैसे हो जाएंगे, जब हमारा हक नहीं देंगे हम कैसे खुश हो जाएंगे प्रधानमंत्री से? उसको जिताएंगे प्रधानमंत्री, हम उनको क्यों जिताएंगे? प्रधानमंत्री जी से हम क्यों जिताने की लड़ाई लड़ने के लिए आए? हम जिताने नहीं आए, यहाँ पे हम जिताने के लिए नहीं आए, हमारे हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, और जब तक हमें प्रधानमंत्री से खुश नहीं है, क्योंकि 9 साल हो गए उनको, 9 साल होने के बाद भी हमें एससी में शामिल नहीं किया गया, दोनों जगह उनकी सरकार है, जुमलेबाजी है उनकी, कुछ रही है, हम लोगों से वोट लेते हैं कोई काम नहीं करते हैं लोग। आप लोग लेकिन बोल रहे हैं कि हम लोग 100% वोट जो है वो प्रधानमंत्री हाँ दिया है, हमारे से गलती हुई, हम महसूस कर रहे हैं कि हमने गलत किया। गलत कैसे किया? अभी तो वो भैया कहाँ गए, वो बोल रहे थे इतना काम कराया, अब वो बोलते रहे। आप लोग में खुद ही एकजुटता नहीं है, हमारे में पूरी एकजुटता है। प्रजापति समाज, प्रजापति समाज, आरक्षण लेकर रहेंगे, आरक्षण लेकर रहेंगे। नहीं मिला तो क्या करेंगे? हम नोटा दबाएंगे आने वाले इलेक्शन में और 24 में एहसास करेंगे। बोल रहे हैं नोटा दबाएंगे, और उधर अमित शाह गृह मंत्री बोल रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए आएंगे तो मोदी जी, वो बोलते रहे, हम बोल रहे हैं, जनता बोल रही है नहीं आएंगे, अगर आरक्षण नहीं होगा प्रजापति समाज नहीं आने देगा, नहीं आएंगे अगर आरक्षण नहीं मिलेगा हमारी तरफ से, नहीं आएंगे प्रजापति समाज की तरफ से, नहीं आएंगे। प्रजापति समाज जिताना जानता है, जो हराना भी जानता है, अपने हक के लिए हाँ हारेंगे प्रजापति। कब से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, कितने साल से? पिछले साल से कर रहे हैं, 75 हाँ। संविधान में जब से हमारे लिए आरक्षण लागू हुआ है आज तक 75 साल में हमें आरक्षण नहीं दिया गया है, हमारा अधिकारों का हनन किया गया है, हमारी शिक्षा छीन ली गई, हमारा रोजगार छीन लिया, हमें छोड़ो जी, जो आरक्षण समाज को, प्रजापति समाज को जो पट्टे दिए गए थे ना वही दबा रखे लोगों ने, आरक्षण की बात तो छोड़ दो आप, वही निकलवाने का काम नहीं कर रही सरकार हमारा। आप लोगों को क्या लगता है, आखिरी सवाल है, सोच समझ के बोलिएगा कि आपको क्या लगता है कब तक सरकार आपकी बात मानेगी, क्योंकि वो जो है प्रधानमंत्री वो भी बहुजन समाज से हैं, और वो बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, 15 लाख रुपए आप लोग के खाते में आए हैं, आप लोग 5-5 किलो अनाज प्रधानमंत्री ने दिया, झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख रुपए, एक मिनट भाई साहब, 15 लाख दिए, 15 लाख बोला था अकाउंट में, देखो मारे आप, मैडम आपके खाते में आए हैं जब सबको दिए, आपके में आए हाँ या ना, आपके में आए, आए सबको दिए है ना, सब में आप भी है, आपके में आए हाँ या ना, आपके में आए हाँ या ना, आपने कहा ना सबने, सबके में आए, आए आपके में हाँ या ना, प्लीज बताइए आप, आपके में आए, जैसे आपके में आए हैं इसका मतलब उसी जुमलेबाजी में आप है और उसी जुमलेबाजी में सरकार है, ठीक है? आप सरकार को जुमलेबाज कह रहे हैं? हाँ जुमलेबाज, अगर आप जुमलेबाजी दिखा रहे हैं, 5 किलो राशन भी तो लेते हैं, 5 किलो राशन हम भीख नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते, बंद कर दीजिए, अगर वो बात है बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है मैडम, जरूरत नहीं, 5 किलो एक तरफ बोलते हैं आप प्रधानमंत्री से खुश हैं, दूसरी तरफ आप उसको जुमलेबाज, हाँ है, 5 किलो राशन भी बिकने वाले नहीं हम लोग, मत दीजिए, हम नहीं लेते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेते राशन, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उसको खा के कुछ नहीं होने वाला, पक्का मकान तो बनवा दिया, नहीं, आज तक मैंने कोई सरकारी योजना नहीं ली मैडम, कोई सरकारी योजना नहीं ली, मकान नल बिजली पानी कुछ नहीं, 5 किलो राशन पे हम अनपढ़ नहीं हो सकते हैं, हमें रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमें राशन चाहिए, जब आरक्षण मिलेगा हम खुद छीन लेंगे अपनी बात, हाँ बिल्कुल आरक्षण चाहिए हमारा मेन मुद्दा, कब तक लग रहा है, कब तक मिलेगा, कब तक आप लोग लड़ते रहे, हम जब तक हमारे में दम है तब तक लड़ेंगे, सरकार चाहे ये हो चाहे दूसरी आए, आरक्षण नहीं मिलेगा तो लड़ाई खत्म नहीं होगी, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, प्रजापति समाज, आप लोग यहाँ पे तमाम लोग हैं, आप लोग को हम लोग रिसोर्स दिखाते हैं, यहाँ देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, और ये लोग जो है आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन ये लोग कह रहे हैं जब तक प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम
उनको वोट नहीं देंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, हम लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, इन लोगों को आरक्षण मिलेगा या नहीं? पूरी खबर पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।